प्याज लहसुन कृषि उपज मंडी शुजालपुर शहर में नीलामी में समय से जिस वस्तु की नीलामी होती है उसी वस्तु में नीलामी की पर्ची बनती है, परंतु व्यापारी के तोल काटे पर किसान अपनी उपज लेकर जाते तो है और वहां पर हल्का माल बताकर आए दिन विवाद होते रहते हैं और किसानों को मजबूर कर कम भाव में उपज तोली जाती है। इसी प्रकार बुधवार को जामनेर के किसान कमल पिता ओम प्रकाश पाटीदार का प्याज नीलामी में 1672 रुपए गया, परंतु मंडी कर्मचारी द्वारा 1652 रुपए की नीलामी पर्ची दी गई, जबकि भाव पर्ची में 1672 रुपए का भाव ही दर्ज किया गया। फंड पर जब किसान ने पर्ची में सुधार करने को कहा तो व्यापारी के द्वारा मना किया गया, मैंने इस भाव में प्याज नहीं खरीदा। व्यापारी द्वारा दबाव बनाकर पुनः नीलामी की गई जिसमें 1550 रुपए का भाव लगाया गया। किसान द्वारा विरोध करने पर मंडी कर्मचारियों द्वारा समझौता कराकर 1625 रुपए के भाव को सबको उपज बोलने पर बाध्य किया गया। वहीं किसानों द्वारा बताया गया कि उक्त किसान का प्याज ऑफिस ट्रेडर के द्वारा खरीदा गया था और यहां ऑफिस ट्रेडर हमेशा ही किसानों को परेशान करता है, दामों में फसलों को खरीदता है तथा बाद में कैंसिल करने की धमकी देता है और कम भाव में फिर फसल को रखता है। तहसील के अंतर्गत 94-95 गांव आते हैं। भारतीय किसान संघ एक मजबूत संगठन के नाते 10,000 सदस्यता हमने की है। हमारे संगठन के 10,000 सदस्य हैं। हमारी ग्राम इकाइयां 60 से 70 गांव में बन चुकी है। हर ग्राम इकाई एक आवाज के ऊपर किसान की समस्याओं के लिए आज यहां खड़ी हो गई है। हमने जैसे ही ग्रुप में डाला किसानों का ढेर लग गया। हमारा किसान संगठन पूरे प्रदेश से लेकर प्रांत से लेकर प्रदेश और राष्ट्र तक एक बहुत बड़ा एक राष्ट्र और अखिल भारतीय संगठन बन चुका है और हमेशा किसानों की समस्याओं के लिए किसानों की योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए हमारा संगठन सरकार तक हमारी आवाज को पहुंचाता है। और आज जो किसानों के साथ कल अभद्रता की है, कल नाटक जो हुई है, उसके विषय में आज एक संगठित होकर इस मंडी को एक सही सुचारू रूप से चलाया जाए। मंडी अधिनियम के अंतर्गत जो गाइडलाइन बनी है उससे चलाया जाए। हमारा किसान भाई माल लेके आता है, पारदर्शिता के साथ नीलामी के बाद जब कांटे पे जाती है तो उसका माल हल्का बता के और भाव कम कराने की दबाव डाला जाता है किसान के ऊपर। सीधा साधा किसान अपना मंडी का भाड़ा डबल कैसे लाऊंगा सर, उसके बहकाव में आके और भाव कम करवा लेता है और मंडी हो जाती है। ये किसानों का साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है। उदाहरण, दो कट्टी को तोला जाता है कांटे के ऊपर और ग्राम को इकाई नहीं माना जा रहा है। इस मंडी के अंदर अगर हमारी ग्राम के ऊपर इकाई निकलती है किसान को पुनः वापस दी जाए, लेकिन उसको भी रोल कर दिया जाता है। इन विषयों को लेकर आज भारतीय किसान सर के बैनर तले हम इस यहाँ पर माननीय मेडियम को महोदय को ज्ञापन देंगे और ये समस्या हमारी हल हो, इसी के लिए आज हम यहाँ भारतीय किसान संघ के तत्वावधान में इस बैनर तले एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया जाएगा। अगर इस समस्याओं का निराकरण हमारा नहीं हुआ तो आने वाले समय में भारतीय किसान संघ एक अनिश्चितकालीन धरना अपने सारे किसानों के साथ इस मंडी को घेराव करके बंद करके इस मंडी में ताला डाल दिया जाएगा और अनिश्चितकालीन धरने के वजह तक समस्या का हल नहीं होगा। जब तक हमारा ये कार्यक्रम जब तक नहीं बंद होगा जब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दस के हम भंडार भरेंगे, हम अपना अधिकार मानते हैं, किसी से भी मानते हैं। किसान शक्ति जागेगी, किसान तू रहेगा मौन, तेरे लिए बोलेगा कौन, किसान तू रहेगा मौन, तेरे लिए बोलेगा कौन। किसानों ने ठाना है, लाभकारी बुलाना है, किसानों ने ठाना है, लाभकारी बुलाना है, भगवान बलराम की जय। अभी हमारे बीच में माननीय एसडीएम महोदय ज्ञापन लेने 2 बजे पधारने वाले हैं, उनके सामने ज्ञापन का वाचन माननीय हमारे तहसील मंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और ज्ञापन वाचना के बाद हम समस्याओं से अवगत कराएंगे और उनसे आश्वस्त करेंगे कि हम किसानों को आश्वस्त कितने समय में मंडी में सुधार हो सकता है, इस विषय को हम रखेंगे, हमें आश्वस्त करेंगे और वो नहीं करेंगे। करने के बाद अगर समस्या हल नहीं हुई तो हम पुनः इस कदम को और आगे बढ़ा के और धरना आंदोलन के साथ इस मंडी को सुचारू रूप से चलानेंगे। इसी के साथ हम यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।